बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ अनारकली के मशहूर फ्रूट चाट की रेसिपी। इसमें सफ़ेद चने भी डलते हैं, ये बॉयल चने हैं। ये देखें गाइस, सारा सामान मैंने निकाल के रखा हुआ है। मैं आपको बताती हूँ, ये चने लिए हैं मैंने एक प्याली, ये बॉयल हुए हुए हैं। ये एक प्याली मैंने खरबूजा लिया है, इसको बारीक कट कर लिया है मैंने। ये सेब लिए हैं मैंने, इनको भी बारीक काट लिया है। ये केले लिए हैं मैंने, इनको भी बारीक काट लिया है। ये है इमली और आलू बुखारी की चटनी, जिसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये चटनी डलती है इसमें, ये स्पेशल चाट होती है, बहुत मज़े की लगती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। चलें तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में ये हमने खरबूजे ऐड कर दिए हैं। अब इसमें ये जो सेब काटे हुए हैं मैंने, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये बहुत मज़ेदार बनती है गाइस, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे बता दिया करें मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। ये देखें, सारे फ्रूट और ये चने जो मैंने वाइट उबाल के रखे हुए थे, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं इस चाट में। अभी जो मैंने चटनी है इमली और आलू बुखारे की, ये खट्टी मीठी चटनी होती है, ये डलती है इसमें। ये बहुत मशहूर चाट है ये वहाँ की। ये देखें, आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये मिक्स हो गई है, देखिए कितनी आसान है इसको बनाना भी, और बहुत ज़बरदस्त लगती है खाने में, टेस्ट में तो बहुत ही मज़े की है ये। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखें माशाल्लाह से इसका लुक देखें, कितनी ज़बरदस्त लग रही है, और ये जायके में भी बहुत ही मज़े की बनी थी। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।